लिखकर आई हूँ इस कहानी का अगला एपिसोड। देविका काफी देर तक टेबल पर बैठी रही। उसके आसपास हो रही घुटन से वो थोड़ी घबराहट महसूस कर रही थी। काली बिल्ली उसके करीब आई और वो उसके हाथ पर बैठ गई और वो इससे उसको जानी पहचानी वॉर्म्थ दे रही थी। अचानक से एक तेज आवाज सुनाई दी। देविका आवाज सुनकर हिल गई थी। वो कितना स्ट्रगल कर रही थी ये उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। क्या तुम जाकर देखना चाहती हो, काली बिल्ली ने पूछा और उसने अपने पंजे को उठाकर देविका की आस्तीन पर रखा। देविका दृढ़ता से खड़ी हुई और वो चलकर उस आवाज की तरफ गई। जब देविका आरुष के कमरे के आगे आई तो वो एक पल के लिए वहां पर शांति से खड़ी रही। कमरे में पूरी तरह से शांति छाई हुई थी और जब उसने दरवाजा खोला तो उसको खून की हल्की सी महक आई। रूम में वेद खड़ा था जिसने देविका को देखने के लिए अपना सर घुमाया, मगर जब उसको कहने को सही शब्द नहीं मिले तो उसने अपनी नजरों को घुमा लिया था। देविका चलकर कमरे में गई और उसने आरुष की तरफ देखा। आरुष कमरे में एक तरफ बैठा हुआ था। उसने देविका की तरफ अपनी कमर की हुई थी और वो मेमे को दवाइयों से नहला रहा था। मेमे की हालत में अब थोड़ा सुधार आ गया था और वो अब अपनी आंखें खोल सकता था। उसकी साफ नजरों ने एक पल के लिए देविका को देखा, फिर उसने अपना सर घुमाकर आरुष को देखा जिसने देविका की तरफ अपनी कमर की हुई थी और उसको मिमियाने में दिक्कत हो रही थी। देविका ने जब आरुष के पैर के पास मिट्टी का टूटा हुआ वास देखा तो उसको ये एहसास हो गया था कि ये वास किस वजह से टूटा था। देविका ने कहा, हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। वेद ने अपना सर हाँ मिलाया और वो कमरे से बाहर चला गया। उसने ध्यान से दरवाजा बंद कर दिया था। कमरे में बस देविका और आरुष ही रह गए थे। मेरा बड़ा भाई, क्या वो ठीक है? आरुष की आवाज पहले से कुछ अलग नहीं लग रही थी, मगर अब जब देविका उसको आगे से नहीं देख पा रही थी तो उसको नहीं पता था कि आरुष के चेहरे पर कैसे एक्सप्रेशन थे। देविका ने जवाब देते हुए कहा, वो ठीक नहीं है। यह सुनकर आरुष की कमर कठोर हो गई थी। क्या तुम उन्हें ठीक कर सकते हो? तुमने मुझे भी तो ठीक कर दिया था। क्यों, मैंने अभी तक उसे अच्छे से नहीं देखा है, देविका ने ईमानदारी से जवाब दिया। मगर शब्द जब उसके मुंह से बाहर निकल रहे थे तो उसके गले में दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको सही तरह से वो कह नहीं पाई है। कार्तिक, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम जरूर उन्हें ठीक कर दो। आरुष की आवाज भारी हो गई थी। ठीक है, आरुष हिला भी नहीं। उसने कार्तिक की तरफ बस अपनी कमर की हुई थी। उसके हाथों ने मेमे के छोटे से शरीर को पकड़ा हुआ था और वो मेमे को दवाई में नहला रहा था। तुमने मुझे यहाँ पर रहकर मेमे का ध्यान रखने के लिए इसलिए कहा क्योंकि तुम्हें पहले ही खबर मिल गई थी? हाँ, तुम ये नहीं चाहते थे कि मुझे पता चले और इसलिए तुमने पहले खुद वहां पर जाकर पता किया कि वहां पर क्या हो रहा था? हाँ, आरुष हंसने लगा, मगर उसकी हंसी में जरा सी भी खुशी नहीं थी और उसमें सिर्फ कड़वाहट और निराशा भरी हुई थी। वो वैसी हंसी थी जिसको सुनकर लोगों के दिल में छिझक ही हो सकती थी। आरुष ने कार्तिक से कहा, तो फिर तुमने मुझे अब क्यों बताया? कार्तिक एक पल के लिए शांत रहा और फिर उसने धीरे से कहा, सिर्फ तुम ही सौरभ को निर्दोष साबित कर सकते हो। राजू कहाँ है? ऊपर कमरे में। कार्तिक ने राजू और वेद को एक ही विश्राम घर में आरुष के साथ रखा था। क्या तुम ये नहीं पूछोगे कि सौरभ कहाँ है? आरुष ने अपना सर ना हिलाया। मैं उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। आरुष की आवाज भारी हो गई थी और उसको सुनना काफी मुश्किल था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने जबरदस्ती अपने गले से वो शब्द निकाले थे जिससे उसको सुनकर घुटन महसूस हो रही थी। कार्तिक ने जवाब नहीं दिया और बिना कोई शब्द कहे चलकर आरुष के आगे गया। उसने फाइनली आरुष के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखा। उसका वो लुक कार्तिक अपनी पूरी जिंदगी में नहीं भूल सकता था। वो डार्कनेस से भरा हुआ था। उसको देखकर उसके करीब जाने में किसी को भी डर लग सकता था। कार्तिक ने काली बिल्ली को आरुष के हाथ में दिया। कार्तिक ने खुद को थोड़ा झुकाया और उसने आरुष को गले से लगाया। उसने आरुष के सर को अपने कंधे पर रख लिया था। रो लो। आरुष ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो अपनी फीलिंग्स को दबाने की और अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश कर रहा था, मगर कार्तिक महसूस कर सकता था कि उसके कंधों के कपड़े ऑलरेडी गीले हो गए थे। कार्तिक आरुष को राजू को दिखाने के लिए ले गया। वो दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहा और वो अंदर नहीं गया। अब जब उसने कमरे से राजू के रोने की आवाज को सुना तो वो मुड़ा और वो चलकर दूसरे कमरे की तरफ गया। सिद्धार्थ ने दरवाजा खोला और जब उसने बाहर देविका को खड़ी देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। उसको अभी ही पता चला था कि देविका का प्लान सिर्फ सौरभ को बचाना नहीं था। जब उसने वेद को विश्राम घर में देखा तो उसको एहसास हुआ कि मौर्य महल की बेटी ने जितना उसने सोचा था उससे भी आगे तक का प्लान बनाया हुआ था। कमरे में सौरभ एक टक बेड की तरफ देख रहा था। वो कुछ बोल नहीं रहा था और सो नहीं रहा था और वो बस वहां पर बिना हिले डुले बैठा था। उसके शरीर पर से गंदगी साफ हो गई थी और उसके कपड़े बदल गए थे। किसी ने उसके बाल भी कंघी कर दिए थे और वो अब थोड़ा बहुत पहले जैसा लग रहा था, मगर उसकी वो आंखें वो पहले की तरह एक्साइटमेंट से भरी हुई नहीं थी। देविका सौरभ के बराबर में खड़ी हो गई और उसने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर उसने अपनी उंगली को उसकी कलाई पर रख दिया। सौरभ के शरीर की चोटें ज्यादा गंभीर नहीं थी और उनको बस थोड़े से इलाज की जरूरत थी, मगर सबसे जरूरी चीज उसके दिमाग का इलाज करना था। वरुण के हाथ के दो वार से ही उसके दिमाग में काफी गहरी चोट आ गई थी जिससे उसका दिमाग अब काम नहीं कर रहा था। देविका ने सौरभ का थोड़ा सा इलाज किया और फिर उसने फाइनली सौरभ का हाथ छोड़ दिया। ये कैसा है? सिद्धार्थ उन्हें साइड में खड़े होकर देख रहा था और उसने पूछा। जब से देविका की दवाइयों ने उसकी पोती की जान बचाई थी तब से उसके दिल में देविका के लिए काफी रिस्पेक्ट बढ़ गई थी और जब वो अपनी एकांतता से बाहर निकला तो उसने राय वंश के नष्ट होने के बारे में सुना। वो जब मौर्य महल गया तो उसने वहां पर अभिषेक को देखा और उसे एहसास हुआ कि देविका ने मौर्य महल के बाहर राय वंश के शिष्यों से जो शब्द कहे थे वो बस धमकी नहीं थी, उसने अपने शब्दों को पूरी तरह से सच किया था। राय वंश का काफी नाम था और उसने उन्हें ऐसे ही खत्म कर दिया था। देविका ने कहा, इसका इलाज हो सकता है मगर अभी नहीं। सौरभ के दिमाग में चोट काफी सीरियस थी और उसके इलाज में काफी समय लगेगा और उसका इलाज जल्दी नहीं हो सकता था। चारुमति गुरुकुल में चीजें अभी खत्म नहीं हुई थी और अगर उसने अभी हार मान ली तो इसका फायदा सिर्फ महेश को ही होगा। देविका ने सौरभ को देखा। उसको इस बात की चिंता नहीं थी कि उसको समझ आएगा या नहीं। उसने सौरभ से कहा, जब मैंने चारुमति गुरुकुल में दाखिला लिया था तो मैं सौभाग्यशाली थी कि मेरे साथ तुम थे जिसने मेरा काफी ध्यान रखा। तुम्हारे और तुम्हारे पिता के ऊपर हुए अत्याचार का बदला मैं लूंगी।
सिद्धार्थ ये देखकर खुश हो गया था। तुम क्या करने की सोच रही हो? सिद्धार्थ ने सोचा था कि देविका बस सौरभ को बचाना चाहती है, मगर अभी उसके शब्द सुनने के बाद उसे एहसास हुआ कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। मुझे कुछ दिनों के लिए सौरभ का ध्यान रखने के लिए आपको परेशानी देनी होगी। मेरे पास यहाँ पर कुछ दवाइयाँ हैं और यह आपको सौरभ को दिन में 3 बार खिलानी है। बोलते हुए देविका ने दवाई की कुछ बॉटल्स को टेबल पर रखा और उसने ध्यान से दवाई के असर और डोज के बारे में बताया और फिर वो कमरे से चली गई। दरवाजे के बाहर कार्तिक ने आरुष को वहां पर खड़े देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर हल्की सी कड़वाहट से भरी मुस्कान थी। उसको नहीं पता था कि वो कितनी देर से दरवाजे के बाहर खड़ा था, मगर आरुष दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसे नहीं पता था कि वो सौरभ का सामना कैसे करेगा। अगर धनंजय उसको बचाना नहीं चाहता तो धनंजय सबको ये नहीं बताता कि वो उसका असली बेटा है, और महेश फिर सौरभ पर इल्जाम नहीं लगा पाता कि उसने बड़े गुरु की कुर्सी पाने के लिए धनंजय का खून कर दिया है। अब जब ये सब हो गया था तो आरुष को ऐसा लग रहा था जैसे उनका उस पर काफी ज्यादा एहसान था। मैं इसका इलाज कर सकता हूँ, कार्तिक ने आरुष को देखकर कहा। आरुष ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाई। प्लीज तुम इनको बिल्कुल अच्छे से ठीक कर दो। कार्तिक शांत रहा। उसको नहीं पता था कि वो आरुष को कैसे शांत करे, और उसको नहीं पता था कि उस समय उसे कैसे शब्द कहने सही रहेंगे। अब जब वो दोनों वहां से जाने वाले थे, रणबीर अचानक से वहां पर आ गया। महेश चारुमति गुरुकुल के सभी शिष्यों को 3 दिन में स्वर्ग के रास्ते की चट्टान पर भेजने वाला है। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड की कहानी में बस इतना ही। कहानी के अगले एपिसोड के साथ फिर मिलती हूँ आपसे।